मैं फरहान इंडियन मीडिया बुक से। कल जो हमने ताहिर भाई से बात किया था कि आगे आज कोर्ट के जो डायरेक्शन मिलेंगे उसके ऊपर उनसे हम बात करेंगे, तो ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आज क्या डायरेक्शन हुआ कोर्ट में उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ताहिर सर, आज कोर्ट में क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। हाँ फरहान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो दिन है बहुत एक खुशी का दिन है IMA के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। आज जैसे मैंने आपको बताया था, कल पूरा कोर्ट में बहुत डिस्कशन हुआ KPD एक्ट के बारे में, और एक और नई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करने का था। तो आज गवर्नमेंट ने 12 बजे से पहले रीजनल कमिश्नर को, जो कि DC's हायर ऑफिस रैंक ऑफिसर है, उसको अपॉइंट कर दिया। तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली पूछा, जिसने आपने आपने जिसको अपॉइंट किया है उसका आपने क्रेडेंशियल चेक किया क्या? अच्छा, क्योंकि इससे पहले जो अपॉइंट किए थे वो 12 दिन के अंदर अरेस्ट हो गया, तो आपने उसे क्रेडेंशियल चेक किया क्या? तो वो गवर्नमेंट उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे पाई, बोला हमने बोनाफाइडली उनको किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला जो काम किया, चीफ सेक्रेटरी को 4 वीक का टाइम दिया है कि ये पूरा बैकग्राउंड चेक करने के लिए, ही इज़ ये लॉयल पर्सन और नॉट, ही इज़ बोनाफाइड पर्सन और नॉट, और ही इज़ हैज़ एनीथिंग पास्ट रिकॉर्ड और नॉट। तो ये पूरे उसका जो बैकग्राउंड चेक करने के लिए उसने पूरे प्रोसीजर को चेक करने के लिए बहुत अच्छा काम हुआ। फिर इसके बाद जो आज कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए, पूरे डायरेक्शन जो KPID एक्ट के अंदर है, सेक्शन 3, सेक्शन 6, सेक्शन 7, जिसमें प्रॉपर्टी को अटैच करना है, अटैच करके 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है, फिर उसको डिपॉजिटर्स को आइडेंटिफाई करना है, उन्होंने कितना लोगों ने क्या क्या डिपॉजिट्स किया है, फिर उसको असेसमेंट करके लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, एक सिलसिलेवार तरीके से हर सेक्शन 3 कैसे अप्लाई करना है, सेक्शन 6 कैसे अप्लाई करना है, सेक्शन 7 कैसे अप्लाई करना है, ये पूरा एक सिलसिलेवार तरीके से वो किया है। और ख़ास तौर पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया है कि जो उसको पावर है KPID एक्ट के अंदर में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक कॉम्पिटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करना है जो कि फॉरेंसिक ऑडिट करेगा। अच्छा। फॉरेंसिक ऑडिट का फ़ायदा क्या होगा? जो मंसूर ने ये डिपॉजिटर के पैसे, जिन जिन को भी पैसे भेजे हैं, या किसी ने ट्रांसफ़र किया है गिफ्ट के जरिए, किसी के जरिए भी किया है, या कोई मैं पैसा हवाला के थ्रू भी बाहर भेजा है, वो पूरे पैसे को आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसको लाकर इस कॉर्पस में जोड़ेंगे, जो पैसा आगे चल के आप लोगों को डिवाइड होगा, डिपॉजिटर लोगों को। अच्छा, सबसे बड़ा ये काम हुआ आज। तो इसमें एक और चीज़ पूछना था कि ये जो लोग गोल्ड को रख के और उस पर लोन लिए थे, उसके बारे में कुछ पॉइंट रेज हुआ? नहीं, देखिए वो जो अभी तक, क्योंकि जो जिन्होंने गोल्ड रख के, मॉर्टगेज रख के पैसा लिया है ना, वो असल में अगर जैसे कई लोग मेरे पास भी ऑफिस में अप्रोच करे हैं मुझे रिलीज करने के लिए, उनके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो SIT ने जो भी चीज सीज किया है उसका हर एक फोटो और इसकी डिटेल रखा है। वो कोर्ट के अंदर, जिस कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, वहां पर इंटरिम कस्टडी के लिए अपने डॉक्यूमेंट के साथ वो पैसा एप्लीकेशन डाल के उसको रिलीज कर सकते हैं। वो चाहिए तो हमारे ऑफिस में आएंगे, हम भी उसको रिलीज कर सकते हैं, चाहे आप किसी अच्छे कॉम्पिटेंट एडवोकेट के पास जाएंगे, पॉसिबल है रिलीज हो सकता है आराम से, अगर उसके पास प्रूफ है और वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई होगी। देखिए हजारों ज्वेलरी उन्होंने आइडेंटिफाई ली है, सीज की, अगर वारंटी हो जो उन्हें डॉक्यूमेंट दे रहा है, क्योंकि उन्होंने फोटो दिया है, मॉर्टगेज रखते रहे, वो फोटो के साथ उसकी फोटो मैच हो गई तो वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, और उसमें उसके एवज में जो आपने पैसा देना है, जो आपने जो भी पैसा देना है, जैसे कुछ उन्होंने 2 लाख देना है, 5 लाख, अगर वो आप पैसे दे दोगे तो पैसे ले लेंगे और वो आपको ज्वेलरी, आपको इनकम कस्टडी लेके आपकी दे देंगे, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी उसके पास है, मॉर्टगेज की थी वो। अच्छा, तो जितने भी ये लोग ऐसे हैं उन लोगों को पूरी प्रॉपर्टी मिल सकती है। उसमें सिर्फ प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि जो ऑर्नामेंट्स हैं वो हजारों के नंबर में है, वो उनसे आइडेंटिफाई करने प्रोसेस में टाइम लगेगा और कोर्ट से ऑर्डर लेने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। और एक नॉमिनल खर्चे में एक समझिए ज्वेलरी भी अगर है 10-15-20 हज़ार 25 हज़ार के अंदर, कोई भी एक अच्छा आदमी इसको कर सकता है, काम हो सकता है। तो उसकी कार्रवाई अभी शुरू की जा सकती है? अभी भी कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास कुछ 1-2 एप्लीकेशन आई हैं, मैं उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने मंगाए हैं, और मैं तो शुरू कर रहा हूँ, और भी आप लोग भी किसी भी एडवोकेट के थ्रू कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अभी आपने जो बोला इसमें ये मेन कार्रवाई हुई कि जिसको अभी डायरेक्शन, मैं एक और इसमें जो बोलने से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से क्लियर कर देता हूँ। ये हाईकोर्ट ने स्पेसिफिकली जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट किया है उसने स्पेसिफिकली बोला, हर डेट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक एफिडेविट के जरिए कोर्ट को इंटीमेट करना है इस एक डेट से दूसरी डेट के दौरान उसने क्या क्या किया काम, अपडेट देना, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। अच्छा। और नेक्स्ट डेट 30 तारीख को रखा गया है। हाँ।
उसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो जिम्मेदारी दी है उस 30-30 तारीख उसने क्या किया बोल के ये पूरा डेटा। तो जैसे मैंने आपको बताया हमारी प्रेयर थी कोर्ट के सुपरविजन में, तो ये कोर्ट उसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है और वो इंशाल्लाह उस प्रोसीजर फॉलो हो गए तो कुछ भी एक डिरिलेक्शन आपकी कोई भी अमानत इधर से उधर नहीं होगी और पूरे कोर्ट के नज़र में आएगी। और ये जो कोर्ट है ये कर्नाटक का हाइएस्ट कोर्ट है, ये तो कोई ऑफिसर गलती भी नहीं कर सकता उससे मेसअप करने के लिए। अगर मेसअप करेगा तो उसको मालूम है इसका नतीजा क्या होगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं इस प्रोसेस से आपके 20-25% या 30% पॉपुलेशन भी आपके सिक्योर हो सकती है। इसमें एक और चीज है, कई लोग बोल रहे थे कि उनकी कर्नाटका से बाहरी प्रॉपर्टी है। अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी के लिए वो एक पब्लिक एड देगा जो कि आमतौर पे टाइम्स ऑफ इंडिया में किसी कन्नड़ा पेपर में आएगा। उस एड में क्या रहेगा कि किसी को भी IIMA की प्रॉपर्टी मालूम है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का एड्रेस रहेगा, उसमें इन्फॉर्म करो। तो जिन जिन को भी इसकी IIMA की कोई भी प्रॉपर्टी, उसकी उसकी डायरेक्टर की प्रॉपर्टी, ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टी या किसी की भी प्रॉपर्टी, उन सारी प्रॉपर्टीज का किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपको जरूरी नहीं है कि उसको डॉक्यूमेंट ही देना। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी मालूम है उसका एड्रेस भी आप उनको दे देंगे तो वो पूरी प्रॉपर्टी को सीज करेंगे। ये बहुत अच्छा हो। और आज कोर्ट में ED ने जो प्रॉपर्टी सीज की थी वो भी कोर्ट में डिटेल आ गई पूरी और उसकी वर्थ समाउंड अराउंड 300 करोड़ है उसकी वर्थ। तो ये प्रॉपर्टी भी कंपटेंट था तो आप आज नहीं तो कल ट्रांसफर हो जाएगी। आपने कहा अभी जैसे ईडी को मिला 300 करोड़, उसको भी 300 करोड़, SIT को 300 है, तो सब मिला के अभी तक 600 करोड़ की प्रॉपर्टी सामने आ रही है। अभी तक आ गई है और ये और बढ़ेगी, अब और बढ़ेगी क्योंकि अब जब नोटिस जाएगा, पब्लिक नोटिस जाएगा तो बहुत लोग इन्फॉर्म करेंगे प्रॉपर्टीज को। अब मंसूर की भी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो अपना कहीं कुछ है तो उसमें वो बताएगा। दूसरा क्या होगा, अब जो फॉरेंसिक ऑडिट मैंने बोला उसमें कंपनी के साथ डायरेक्टर्स का भी ऑडिट होगा। तो डायरेक्टर्स का ऑडिट होगा तो उसने जो जो पैसा भी, चाहे हवाला के थ्रू, चाहे किसी को डोनेशन के थ्रू या किसी को गिफ्ट भी दिया है, वो पूरा पैसे को यहाँ पे वापस लेके आएगा। क्योंकि सेक्शन 13 में एक मालाफाइड ट्रांसफर बोल के भी एक प्रोविजन है KPID एक्ट के अंदर। तो जो भी मालाफाइड ट्रांसफर जो किए हैं, चाहे किसी MLA को किए हों, चाहे MLC को किए हों, चाहे किसी मिनिस्टर को किए हों, चाहे चीफ मिनिस्टर को किए हों, चाहे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को किए हों, वो पूरा पैसा इसमें आएगा और वो पैसा आप लोगों को डिवाइड होगा। और ये लॉ में जो मैंने बताया था पहले टाइम बाउंड प्रोसेस है, उसमें पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो 6 मंथ है। अब लोग उम्मीद करें 6 मंथ में होना, मैं भी उम्मीद करता हूँ 6 मंथ में हो जाए। मगर जो क्या है, देखो जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसको लिक्विडेट करना बहुत ईजी है, गोल्ड्स को या कैश को। मगर जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो 600 करोड़ या 300 करोड़ या 500 करोड़ की प्रॉपर्टीज आ गई तो उसको सेल करना प्रोसेस लंबा होता है। तो सिर्फ उसी प्रोसेस में देर होगी, मगर जब आगे आगे चलेंगे तो कोर्ट भी इस बात को समझेगा और उसमें जितना इंटरिम रिलीफ यानी जितनी प्रॉपर्टी अवेलेबल है मूवेबल प्रॉपर्टीज उनको जल्दी से उनको जल्दी लिक्विडेट करके जल्दी जल्दी देने की दिलाने की कोशिश करेंगे। और एक और बात मैं इसमें एडिशन कर दूं, क्योंकि जैसे हम लोग बोल रहे थे पहले कि आपके हमारे डिस्कशन में कि हम लोग PIL को में इम्प्लीड हो, PIL और ज़्यादा स्ट्रांग होगी बोल के, तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है शायद, पर कोशिश करने के बाद भी मुश्किल से एक लोग ही इस बार अब तक हुए हैं। तो अब किसी को इम्प्लीड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि PIL से जो रिजल्ट आना था वो आ गया। अब सिर्फ इसका फॉलोअप होएगा, तो फॉलोअप इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई अब किसी को इम्प्लीड होने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से रह सकते हैं और चाहिए तो किसी को भी चाहिए तो कोर्ट में आके डेटा अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें एक और चीज़ बोलो, जैसे आपने कहा 600 करोड़ ED और SIT का मिलाकर हो गया है, तो एक परसेंटेज लगता है कि मिल जाएगा, तो बाकी जो परसेंटेज नहीं मिलेगा उसके लिए कुछ और बात हुई कि गवर्नमेंट से लिया जाएगा कुछ? देखिए, ये मैं तो शुरू से बताना चाह रहा हूँ कि विक्योरियस लाइबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी आती है, क्योंकि गवर्नमेंट्स पूरी सोती रही जब ये सारी चीज़ चल रही थी और इसके मैंने डॉक्यूमेंट्स भी हमने एक प्रोग्राम में दिए हैं। और आज एक खास बात हुई, आज जो ऑर्डर जब पास हुआ तो जो हमने डॉक्यूमेंट जहाँ पे डिस्कशन में दिए थे वो सेम डॉक्यूमेंट कोर्ट में ही प्रेजेंट किए। बेस्ड ऑन दैट डॉक्यूमेंट कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट जानबूझ के इस स्कैम को होने के लिए बढ़ावा दिए हैं। अच्छा, और ऐसे ऑब्जर्वेशन किए हैं, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर हम गवर्नमेंट से 100% पैसा विक्योरियस लायबिलिटी में क्लेम कर सकते हैं। तो अभी बहुत कुछ अच्छे लोग आए हैं सामने जो कि आ रहे हैं, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और भी लोग जो कि, और मैं क्या उम्मीद करता हूँ, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर इन द सेंस 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ या उससे ऊपर अमाउंट, ऐसे लोग अगर सामने आएंगे तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो 3 लाख 4 लाख 5 लाख या 6 लाख 7 लाख इनमें, तो उनको ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। और बड़े इन्वेस्टर आएंगे तो एक इंशाल्लाह हम लोग एक काम करेंगे इंशाल्लाह और एक अच्छे ढंग से एक अच्छा रिजल्ट निकालेंगे। और ये विक्योरियस लायबिलिटी का जो हम लोग पिटीशन डालना है वो हम लोग सिंपल से डालने नहीं, क्योंकि हम लोग पैसा ऐसे लोगों से मांगने वाले हैं, गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगने वाले, जिनको हमने कुछ नहीं दिया है। जी जी जी
तो हमें उससे पहले उनकी उनकी जो गलतियां हैं उसके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने हैं, आईटी के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, ईडी के जो प्रीवियस प्रोसीडिंग है उसके, मतलब जहां जहां गवर्नमेंट फेल हुई है, तो पूरी चीज करके, तो एक एक कलेक्टिव वर्क है इसमें, थोड़ा सा एक काम है इसमें, थोड़ा इसको हम लोग डॉक्यूमेंट निकाल के एक अच्छी पिटीशन डाल के करेंगे तो मुझे उम्मीद है ग्रुप ऑफ लॉयर्स पे काम करना पड़ेगा। नहीं, इसमें ग्रुप ऑफ लॉयर्स का भी काम करना पड़ेगा और अच्छे लोग, सबर वाले लोग भी आएंगे, और मैंने जो भी लोग आ रहे हैं मैंने उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, इसमें तुम लोग बिल्कुल 100% गारंटी नहीं समझना। हम लोग अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के सही तरीके से सही डायरेक्शन में एक लीगल कोर्स करेंगे, और मुझे उम्मीद है हम सही डायरेक्शन लीगल कोर्स करेंगे तो बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छी उम्मीद है कि ये हमें 100% पैसा मिले। ठीक है ताहिर भाई, यहाँ तक बात समझ में, जो प्रॉपर्टी लीज पे है उसका क्या होगा? यानी आप कहना चाह रहे हैं कि उसकी कुछ IMA की कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे लोग टेनेंट या लीज के तौर पे उस जगह पे रह रहे हैं। हाँ। ठीक है, देखिए जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी IMA की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब IMA की प्रॉपर्टी को खाली करना है, क्योंकि जब बेचना है तो खाली करना है, तो उनको पहले विकेट नोटिस आएगा। अच्छा। विकेट नोटिस के बाद उन लोगों का कुछ क्लेम रहेगा, उनको कुछ टाइम मिलेगा विकेट करने के लिए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने कुछ ना कुछ टाइम मिलेगा उनको। अब उन लोगों का कुछ क्लेम क्या है कि हमने 10 लाख रुपए दिए हैं, 5 लाख रुपए दिए, 6 लाख रुपए दिए, वो लोग क्या है क्रेडिटर बन जाएंगे, वो लोग IMA के कौन हो जाएंगे, वो क्रेडिटर। तो IMA के जो पहला जो भी पैसा लेगा ना, तो उनको प्रोपोर्शनेट मिलेगा। अच्छा। उनको पूरा पैसा मिलेगा उनका लीज का। फिर उसके उनके पैसे देने के बाद जो रिमेनिंग पैसा है वो डिपॉजिटर्स को मिलेगा प्रोपोर्शनेट तरीके से। अच्छा। तो जो लीज वाले हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनको घर छोड़ने के लिए भी थोड़ा वक्त मिलेगा, और उनके पास लीज के डॉक्यूमेंट बराबर हैं, क्लेम के डॉक्यूमेंट बराबर हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको एज ए क्रेडिटर उनको IMA के जो फंड जो प्रॉपर्टी लिक्विडेट करके जो भी फंड होगा क्रिएट होगा उसमें उनको पहले उनको प्रायोरिटी में पैसा मिलेगा। अच्छा ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, जो ये जो प्रोसीडिंग चल रही है PIL की प्रोसीडिंग के अंदर, वो लोग एक इम्प्लीडर बन के इम्प्लीडिंग करके अपनी बातों को रख सकते हैं। तो वो लोग इम्प्लीड बन के इम्प्लीडिंग एप्लीकेंट बन के उसमें इम्प्लीड होके अपने ग्रीवेंस को रख सकते हैं और पैसा क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट जो कोर्ट की हियरिंग है वो 30 तारीख को है, 30 तारीख को है, 3 बजे, 2:30 को। तो बहुत, मतलब हर वीक कुछ ना कुछ होता है। ये एक्चुअली कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें जो आमतौर पे लोग नहीं करते हैं जी। इस कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया इस बेंच ने, और ऐसे ऐसे डायरेक्शंस दिए हैं जो आमतौर पे यूजली नहीं देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से चल रहा है ये, तो हमें ये इस PIL में ही फायदा होगा, और जो आने वाला हम जो केस फॉलो कर रहे हैं अगर वो भी इस बेंच के सामने आएगा और हम कोशिश करेंगे इसी बेंच के सामने आए, तो उसमें एक अच्छा हमें एक रिजल्ट मिलेगा, ये उम्मीद है इंशाल्लाह। और जैसे कि आपने एक चीज़ कहा कि जो हम गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं, तो इस बार अभी कोर्ट ने ये कहा कि इसमें गवर्नमेंट की गलती लग रही है, तो वो एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट, हमें वो बेस है, हमारे एलिगेशन का बेस है वो एलिगेशन का, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए हमको कुछ और एविडेंस चाहिए, एक बेस तो मिला हम जी। आगे की कार्रवाई करने के लिए जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई आके अपडेट देने के लिए, और जैसे कि ताहिर भाई ने कहा था अगले 10-12 दिन के बाद हम जो लीगल सीरीज शुरू करने वाले हैं उसकी रिकॉर्डिंग कार्रवाई शुरू हो गई है, और ठीक आज से 10 दिन के बाद आप पहला एपिसोड देख सकते हैं। थैंक यू। आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन मीडिया बुक को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपके पास अगर कोई भी खबर है, कोई जानकारी है, कोई न्यूज़ है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम उसकी तहकीकात करके अपने मीडिया चैनल पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिससे ये खबर दूसरों तक पहुंच सके।